कि अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एमपी दौरे के साथ। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर में क्लस्टर्स की बैठक की, तो वहीं खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद शाह ने भोपाल में प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के दौरे को अहम माना जा रहा है। मुरैना, भिंड, गुना और ग्वालियर के बूथ प्रबंधन समिति के करीब 400 नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और हर बूथ पर 370 वोट को पक्का करने का मंत्र दिया। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वन टू वन चर्चा कर जमीनी हकीकत को भी उन्होंने जाना। खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस रही, तो कार्यकर्ताओं को मिशन में जुट जाने का संदेश भी दिया उन्होंने। ये तीन तस्वीर, क्लस्टर्स की बैठक, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और भोपाल में भी आपने देखा जब उन्होंने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सात परिवारों का गठबंधन है। एक तरफ पीएम के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली है, जनादेश जातिवाद परिवारवाद के खिलाफ हम हैं, जनादेश पर तुष्टीकरण का असर नहीं हो, देश सच्चे लोकतंत्र की तरफ जा रहा है। तो अमित शाह की तरफ से इंडी गठबंधन पर निशाना साधा गया और कहा गया कि सात परिवारों का यह गठबंधन जो कि सिर्फ परिवारवाद से चल रहा है। तो वहीं भिंड में संघ कार्यालय में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। बम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया। बरामद किया गया ग्रेनेड करीब 35 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि संघ कार्यालय के परिसर में समतलीकरण के लिए करीब 3 साल पहले ग्राम डीडी से मिट्टी लाई गई थी। वहां कभी फायरिंग रेंज हुआ करती थी। खेलने के दौरान बच्चों को ग्रेनेड मिला था, जिसे मैदान में किनारे रखवा दिया गया। इसकी टीम है, उसको अपने साथ ले गई और उसने प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करी। थोड़ा सा और गहन छानबीन करने पे पता चला कि जो परिसर है वहाँ पे समतलीकरण के लिए मिट्टी पड़ी थी अभी 2-3 साल पहले। तो ये मिट्टी जो हमारा डीडी क्षेत्र है वहाँ से आई थी। जो डीडी में है, जैसे आपको पता है, पुरानी पुलिस की और बटालियन की जो फायरिंग रेंज रही है वहाँ पे, तो संभवतः जो इसी में कोई पुराना रह गया होगा तो वो चीज़ शेल आ गया था। अभी यहाँ पे संघ कार्यालय के जो सामने जो परिसर है वहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनको एक गेंद रूपी चीज़ दिखाई दी। तो एक आधे वो खेलते रहे, तो क्योंकि मिट्टी में था, फिर उसको धोआ तो बाद में दिखा। उसके बाद जैसी हम लोग को सूचना मिली है तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करी। तो वहीं इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और आज रात इंदौर में चलेगा गुंडा अभियान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यह अभियान चलेगा। भारी फोर्स के साथ पुलिस मार्च करेगी। 4 DCP, 12 additional DCP होंगे शामिल। पुलिस कमिश्नर पब और बदमाशों के घर पर दबिश देंगे। इंदौर में लगातार अपराध को लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी। एक्शन में अब इंदौर के सीपी राकेश गुप्ता नजर आए। इंदौर पुलिस कमिश्नर सभी अधिकारियों और फोर्स के साथ पैदल फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से निकलेंगे। इंदौर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, जहां दहशत के लिए रील बनाने वालों पर एक्शन लिया गया। पुलिस पर इंदौर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, माफ कीजिएगा, बदमाशों पर इंदौर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली और 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे ये लोग वीडियोस। न्यूज 18 ने प्रमुखता से रील का मुद्दा उठाया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। पहला वीडियो आप देख रहे हैं, हाथ में बंदूक लहराते एक युवक नजर आ रहा है। अब वो माफी मांग रहा है और अपील भी कर रहा है कि ऐसे वीडियोज ना बनाए। अब दूसरा वीडियो भी आपको दिखाते हैं, दूसरा वीडियो जिसमें कि एक युवक हाथ में चाकू लेकर हवा में लहराते हुए रील बनाने के लिए नजर आ रहा है। अब वो भी माफी मांग रहा है और अपील कर रहा है कि ऐसे वीडियोस ना बनाएं।
डाली नकली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ऐसी वीडियो ना डाले और हम भी नहीं डालेंगे। और मैंने ऐसी दहशत फैलाने के लिए वीडियो डाली थी और हमारे से गलती हो गई, और अब कभी ऐसा हम वीडियो नहीं डालेंगे भविष्य में। और आप लोगों को भी अनुरोध है कि ऐसी वीडियो कभी ना डालें आप भी। कुलदीप उर्फ चना है, पिता का नाम जाने के लिए ऐसी वीडियो डाली थी, अब आइंदा जीवन में कभी। और वहीं इंदौर की पुलिस डकैतों का पीछा करते हुए गुजरात पहुंची है। गुजरात पहुंची इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम, जहां गुजरात बॉर्डर पर बदमाशों की लोकेशन मिली है। बदमाशों ने बाणगंगा के लंदन विलास में डकैती की थी। डकैती के बाद कार लेकर वो भाग निकले थे। झाबुआ में बरामद हो चुका है कार, लेकिन झाबुआ बॉर्डर के गांव में पुलिस ने दबिश अपनी जारी रखी है। इंदौर पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी इन डकैतों को पकड़ना। गुजरात बॉर्डर के गांव में ये लोग छुपे हुए हैं, हालांकि अब इन्हें लोकेशन मिल चुका है, लोकेशन ट्रैक कर लिया गया है और गुजरात के बॉर्डर्स पर इस वक्त लगातार जांच पड़ताल चल रही है। हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के प्रभावितों के बीच कलेक्टर पहुंचे आईटीआई में बने राहत शिविर में। पहुंचकर कलेक्टर आदित्य सिंह ने पीड़ितों से चर्चा की है। कलेक्टर ने सभी प्रभावितों को भरोसा दिलाया, प्रशासन उनके साथ है। कलेक्टर ने प्रभावितों से मुआवजे को लेकर भ्रमित नहीं होने की अपील भी की। उन्होंने धरना दे रहे लोगों के लिए कहा कि सभी का सर्वे हो चुका है। उधर उचित मुआवजा राशि की मांग को लेकर फैक्ट्री विस्फोट के प्रभावित और सर्व समाज के लोग 3 दिनों से भूख हड़ताल और धरना दे रहे हैं। फैलाया जा रहा था कि आपका परिवार छूट गया है, उसके कोई सदस्य छूट गए हैं, तो आज हम लोगों ने सभी के, जिनको भी ऐसा कोई डाउट था उनके परिवार के नाम के साथ, हमने उनके कितने सदस्य हैं, उनका घर कितना बड़ा है, वो सब बताया और वो सभी संतुष्ट भी हुए। सर, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको समाप्त कराने के लिए क्या प्रयास हो? मैं यही कहूँगा कि ऐसी अपील करूँगा कि किसी भी के भी भ्रम में ना आए, और आप सभी का सर्वे जो है किया जा चुका है, सब यही है, हमारे जो पीड़ित हैं उनका पूरा परिवार यही है, आप देख सकते हैं। इंदौर से एक खबर, जहां व्यापारी को बदमाशों ने चाकू मार दिया है। इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। बदमाशों पर 42,000 लूटने का आरोप लगा है। आजाद नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वो उनकी गैस की गाड़ी का व्यापार व्यवसाय है, तो वहां पर गाड़ी लेकर के गए थे। वो वॉशरूम करने के लिए वहाँ पर रुके, तो वहाँ पीछे से आकर के उनको एक लड़का है, लक्की ठाकुर नाम है उसका, संगठन मंत्री का भाई है वो, तो वो बदमाशी के चक्कर में उसने उसको पीछे से चाकू मार दी। उसके साथ में 3-4 लड़के और थे, और उन लोगों ने उसको विवाद के पुराना कुछ विवाद था उस सिलसिले में सर पर चाकू वाकू मार दी। घटना है ये नेमावर वाइन शॉप है ना, देवगुलाड़िया के जस्ट सामने की घटना है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बने होटल पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। होटल को 2 मंजिला बनाने की परमिशन थी, लेकिन होटल मालिक ने उसे 3 मंजिला बना दिया। नगर निगम ने होटल मालिक को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने को कहा था, लेकिन होटल मालिक की तरफ से जवाब नहीं आया। नगर निगम की टीम ने अब कार्रवाई की है। तो ये 3रा मंजिला मनमाने ढंग से बनाया गया, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई। ये महाकाल रोड के साइड पर घाटी रोड पर हाईलाइट होटल है, यहाँ पर आज निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनका G+2 नक्शा पास और G+3 बनाई हुई थी, जिनका अवैध निर्माण है, जो नगर निगम द्वारा इनको नोटिस भी जारी किए गए थे कि आपके अपने स्वयं द्वार हटा ले, अन्यथा नगर निगम द्वारा इसको हटाया जाएगा। चूंकि इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है हटाए जाने की। इसके संबंध में नगर निगम को कुछ अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके संबंध में नगर निगम द्वारा भवन अधिकारी से इसकी जांच करवाई है, और इसमें जो इनको परमिशन मिली है उसे 4th माले पर 2 कमरे और इसका फसाद अवैध रूप से निर्माण पाया गया है, उस पर कार्रवाई करते हुए आज नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। मंडला में बिछिया के ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में बिलासपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 8.5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी चोरी की थी। पुलिस ने सब ज्वेलरीज बरामद कर ली हैं।
पुलिस ने चोरों को सीसीटीवी की मदद से पकड़ भी लिया है। शिया में एक ज्वेलरी शॉप में 8,59,000 की सोने चांदी की ज्वेलरी नकबजनों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। तत्पश्चात पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस का उपयोग करते हुए 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें उन्होंने मुखबिर की सहायता भी ली और लगभग 12 घंटे के बीच में हम आइडेंटिफाई करने के पश्चात पुलिस की टीम रवाना हुई और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 4 आरोपी, जिसमें कि रविंद्र कुमार सोनी पिता प्रदीप सोनी, ये डिंडोरी का रहने वाला है, रामचंद्र राठौर जो कि चोरी गए माल को ठिकाने लगाता था ये अनूपपुर का रहने वाला है, और रवि मरावी और संतोष यादव शहपुरा थाना डिंडोरी के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे 100% माल जब्त किया गया है। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां के बालाजीपुरम में द ग्रेट खली पहुंचे। खली को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लग गई। खली यहां पर राष्ट्रीय स्तर की दंगल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वो बालाजीपुरम की ओर से आयोजित दंगल के मुख्य अतिथि भी हैं। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। खली ने कहा कि मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, इस बार भाजपा 400 पार होगी। मोदी जी ने जो देशवासियों के लिए और देश के लिए काम किए हैं, उसे देखकर कह सकते हैं कि इस बार 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल जो उन्होंने नारा दिया बिल्कुल इस बार बिल्कुल सही है, 400 पार ही होगा इस बार, क्योंकि जो लोगों पे जोश और जो प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हिंदुस्तान के लिए, वो मेरे को नहीं लगता कि पहले किसी ने किए होंगे। पहला मतलब एक प्रधानमंत्री है जो जिन्होंने मतलब एक समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए सोचा, किसानों के लिए सोचा, और इसीलिए 400 पार होएंगे इस बार। आपने अभी तक कई प्रकार की प्रतियोगिता देखी होंगी, लेकिन उज्जैन में अब एक ऐसा अनोखा आयोजन हो रहा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये है भगवान के श्रृंगार की प्रतियोगिता। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें श्रृंगार आधारित फोटो वीडियो आमंत्रित किए गए। इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करके मंदिर समिति नकद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। प्रस्तुत है और इस्कान का भगवान का जो श्रृंगार है, चाहे वह पोशाक के रूप में हो, चाहे पुष्प और फलों से सुसज्जित किया जाए, अद्भुत ही रहता है। और लगभग रोज ही हम दिन प्रतिदिन ही अच्छा श्रृंगार करते हैं, तो हम जरूर इसमें सम्मिलित होंगे और एक अच्छी चित्र हम भेजेंगे। दमोह में गाय की सुरक्षा में पुलिस के कई जवान लगे मिले। यही नहीं, गाय को हाई सिक्योरिटी में सड़क पर करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस वालों ने थाने भी पहुंचाया। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी गाय को क्यों मिली? जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दमोह में गाय की सुरक्षा में पुलिस के कई जवान लगे मिले। यही नहीं, गाय को हाई सिक्योरिटी में सड़क पर करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस वालों ने थाने पहुंचाया। अब सवाल ये है, रस्सी पकड़े सड़क पर आगे एक पुलिसकर्मी चल रहे हैं, उनके ठीक पीछे गाय है, तो गाय के पीछे एक पुलिस वाला बाइक से है, दो पुलिस वाले पैदल चल रहे हैं। देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो गाय को हाई सिक्योरिटी मिली हो। सड़क पर आने जाने वाले लोग भी इसे हैरानी से देख रहे हैं। कुछ लोग पुलिस वालों से पूछना भी चाह रहे थे, तो कुछ ने पूछ ही लिया। पुलिस वाले ने इस हाई सिक्योरिटी की वजह भी बताई, आप भी सुनिए। अभी जो है पिछले लगभग विगत 2 माह से गौकशी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ निरंतर जारी थी। इस प्रकार से गाय बंदी होने की सूचना पर उसकी तस्दीक की थी। आसपास के लोगों से पूछताछ करते किसी के द्वारा उसको अपना स्वामित्व नहीं बताया गया है। अभी उसको सुरक्षार्थ यहाँ ले आए हैं, जिसकी गाय होगी वो आकर ले जाएगा। गाय की सुरक्षा को लेकर एमपी सरकार सजग है। यही वजह है कि पुलिस वाले भी सतर्क हैं। जब कसाई मंडी इलाके में गाय का कोई मालिक नहीं मिला, तो पुलिस ने कोतवाली थाने में लाकर बांध दिया। हाँ,
इसके लिए तकरीबन 2 किलोमीटर पुलिस वालों को पैदल चलना पड़ा। पुलिस का ये भी कहना है कि गाय का मालिक अगर सामने आता है तो गाय उसे सौंप दी जाएगी। कुल मिलाकर पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई। उम्मीद है कि जो संवेदनशीलता और सतर्कता पुलिस ने पशु को लेकर दिखाई है वो दूसरे मामलों में भी दिखेगी। आशीष कुमार जैन, न्यूज 18, दमोह। मंडला जिले के 10 किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर नई खेती की शुरुआत की है। इन 10 किसानों ने अपने एक एक एकड़ में चिया सीड्स की बुआई की है। किसानों की फसलें लहलहा रही हैं। उन्हें इस फसल के लिए ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और ना ही इसकी देखभाल की फिक्र करनी पड़ रही है। किसानों ने बताया कि पहले वो परंपरागत खेती करते थे लेकिन मुनाफा कम होता था, हर बार मेहनत ज्यादा होती थी। जैसे ही किसानों को चिया सीड्स के बारे में जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत ही अपने खेतों में चिया सीड्स की बुआई की है। पहले क्या है, अपन गेहूं धान की फसल लगाते थे, फिर ये आत्मा परियोजना से जाटव साहब ने बोले ये चिया की नाम की जो फसल है इसको लगाइए, कहने लगे इसके बेहतर मतलब अच्छे परिणाम हैं। तो पहली बार लगाए हैं, कम से कम 8-10 एकड़ में है, तो फसल तो अभी अच्छी समझ में आ रही है। अच्छा, अपनी फसल देख के दूसरे किसान प्रेरित हो रहे हैं कि हम भी आगे हम भी वो करेंगे करके। इस फसल के बारे में बताया था, इसकी वो हार्ट की दवा बनती है। हम लोगों का, हमें कृषि विभाग से आत्मा परियोजना से काम कर रहे हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर सीजन में किसान अपनी परंपरागत खेती से हटके कुछ नया करें जो प्रॉफिटेबल हो। तो ये जो इस बार पहली बार हमने इस फसल का यहाँ लगवाया किसानों से प्रदर्शन के रूप में, ये क्लस्टर डेमोंस्ट्रेशन है। यहाँ 10 लोगों ने एक एक एकड़ में चिया की खेती की है पहली बार। निवाड़ी के ओरछा में स्थित रामराजा सरकार के मंदिर खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। रामराजा सरकार अब सुबह जल्द ही उठेंगे और रात में देरी से अयोध्या जाएंगे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान रामराजा सरकार का दरबार सुबह 8 से 12:30 बजे तक और शाम 8 बजे से रात 10:30 बजे तक खुलेगा। सर्दी के मौसम में दरबार के खुलने का समय सुबह 9 बजे होता है। सुबह 9 बजे बाल भोग आरती के साथ दरबार खुलता है और दोपहर 1 बजे राजभोग आरती के बाद बंद होता है। तो वहीं संध्या आरती शाम 8 बजे और रात 10:30 बजे बिहारी के बाद सरकार शयन करते हैं। परिवर्तन होता है मौसम के हिसाब से, ये प्राचीन समय से चला आ रहा, तो फागुन के महीने से सुबह 8 बजे और कार्तिक के महीने से सुबह 9 बजे। फागुन के महीने में सुबह 8 बजे से और 12:30 बजे तक रहता है और रात्रि में शाम को जो है 8 बजे से 10:30 बजे तक। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर।